हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। तो यार आपका भाई एक बार फिर से एक न्यू वीडियो लेके आपके बीच। तो यार काफ़ी टाइम हो गया था, हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे ड्यू टू कोविड। सो आज निकले हैं छोटी सी राइड के लिए, मैं और मेरा छोटा भाई। तो गाइज ये एक्सपल्स 200 हीरो की बहुत ही ज़बरदस्त बाइक है, बहुत ही शानदार बाइक है। सो एक बार ज़रूर इसके रिव्यूज़ देखो, अगर पसंद आती है तो ज़रूर गाइज ले लो। ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बाइक है एंड स्ट्रीट रोड के लिए भी अच्छा है, मतलब सिटी राइड के लिए भी बहुत, मतलब बोल सकते हैं कि अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी बाइक है। तो आज हम लोग जा रहे हैं तारा देवी, जो कि शिमला से हार्डली 10 किलोमीटर लेफ्ट है। तारा देवी, तारा माता का मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है और जैसे कि आपको पता है नवरात्र। यार हम पहुंच चुके हैं मंदिर। तो कमल जी तो क्या रहेगा आगे का है, कमल जी तो क्या बोलना चाहते हैं आप हमारे दोस्तों को? माता रानी से मिलने की इच्छा है। माता रानी से मिलने की इच्छा, क्या बात है। तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो गाइस कोविड की फॉर्मेलिटीज कमल जी चेक करो। इंट्रोडक्शन। तो कुछ हमारी फॉर्मेलिटीज कोविड 19 को लेके, और वहां सैनिटाइजर की लेनी देनी कर दी है बच्चों ने। ये क्या बात है, क्या बात है, ये कमल जी सैनिटाइजर का यूज कीजिए। कमल जी बहुत ही सुलझे हुए आदमी। तो ये कुछ मंदिर की छवि इस प्रकार। कृपया ध्यान दें मंदिर में मूर्ति घंटी दरवाजे आने इस चीज का विशेष ध्यान रखे जी। कमल जी पढ़ रहे हैं ना आप? ना जरूरी है, ये जरूरी है, इसका मेन रहेगा। बहुत बहुत तो हम इसके बाद अपनी वीडियो नहीं बना पाएंगे, अंदर फोटो लेना सख्त मना है। 595 मेगापिक्सल में कैद कर लो अपनी आंखों में, और अद्भुत नजारे जिला शिमला के इस प्राचीन मंदिर के। तो कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ से, ये आपको जो वहाँ दिख रहा है ये शिमला सिटी है। सो यहाँ से नाइट व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा दिखता है शिमला सिटी का, बहुत ही ज़बरदस्त। तो कमल जी को वहाँ फोटो खींचने लगा दिया है। शानदार। भव्य मंदिर महामाई का। सो आपको इस मंदिर के बारे में मैं बताऊंगा, अभी एक और मंदिर है, पहले वहां जाएंगे फिर वहां बैठ के आराम से आपको मैं इस मंदिर के बारे में बताऊंगा कि क्या यहाँ की स्टोरी थी, कैसे ये मंदिर बना, क्या इसकी आस्था रही, सब कुछ बताएंगे आपको।
बटुक भैरव जी का यहाँ भव्य मंदिर। ये हर जगह मतलब मंदिर में यहाँ पे हिमाचल में जाओ ढोल नगाड़े यूज किए जाते हैं। क्या बात है कमल जी, बहुत अच्छा। कमल जी पूजा जाता है, बहुत अच्छे कमल जी। तो कमल जी ने बड़ा कुछ हमारे को बताया, काफी अच्छा। तो ये दूसरा मंदिर है, यहाँ पे भी ज़रूर आना। वो जो सामने दिख रहा है वहाँ से जो रास्ता आया इस मंदिर के लिए, ये मंदिर कुछ इस तरह। उस तरफ से बहुत ही प्यारा शॉट मिलता है, बट ड्यू टू कोविड ये लगाया हुआ है यहाँ पे रास्ता, इसकी वजह से हम लोग उधर नहीं जा सकते हैं। बट जहाँ तक मैं दिखा सकता हूँ आपको, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू दिखता है। तो जब आप आओ कभी, तो मे बी कोविड ख़त्म हो जाए। दोस्तों पहले के टाइम में कुछ ऐसा होता था कि यहाँ पर भैंसे की बलि दी जाती थी, तो जो भैंसा होता था उसे उस वाले मंदिर में काटते थे, और वो दौड़ता हुआ यहाँ से इस वाले पॉइंट से, और वहाँ से वो छलांग मार देता था नीचे की ओर। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी हुई कि उसको काटा, भैंसे को वहाँ से काटा, और वो वहाँ से दौड़ के इस पॉइंट पे गिर गया, नीचे जाके गिर गया, नीचे जाके एक छोटा सा तालाब है वहाँ गिर गया, बट वो भैंसा बच गया। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा चमत्कार हो गया कि वो भैंसा जो है वो बच गया, तो महामाई ने उसकी बलि नहीं ली। सो उसके बाद से बलि देने की प्रथा जो है वो बंद हो गई यहाँ पर। तो उसके बाद से यहाँ पे कोई भी बलि नहीं दी जाती, और यहाँ पे क्या ऑल ओवर हिमाचल में कोई भी बलि नहीं दी जाती, तो कुछ ऐसी मान्यता है यहाँ पर। और इस बहुत ज़्यादा श्रद्धालु जो है, भक्त लोग हैं, सब लोग आते हैं। ड्यू टू कोविड इतने ज़्यादा लोग नहीं है, हालांकि नवरात्रे अभी स्टार्ट हुए हैं कल से, तो इतने ज़्यादा लोग नहीं है जितने होने चाहिए थे, बट यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और एक और मंदिर है यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर आगे जाके, आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो वहाँ से 2-3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है नीचे की ओर, तो शिव गुफा है। वहाँ पे एक साधु होते थे, उन्होंने समाधि ली है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी। ये जो बाबा जी की कुटिया एवं शिव मंदिर दर्शन, तो इसमें ये लिखा है जो बाबा जी थे जिन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, और उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा तपस्या की थी, 12 साल तक तपस्या की थी। तो जब वो प्रसिद्ध हो गए थे, तो इस कुटिया में मतलब ये है यहाँ का व्यू, ये वो कुटिया और ये वो बान का पेड़ है जिसके नीचे बाबा जी ने 12 साल तक तपस्या की थी। और बाबा जी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे, तो बहुत दूर दूर से लोग अपने दुख लेके, मतलब अपने कष्टों को लेकर यहाँ पर आते थे। किसी को जादू टोना किया हो, भूत प्रेत किया हो, या फिर आपका डागिनी व्हाटएवर, जो भी दुख रहते थे, रोग रहते थे, काला जादू किया हो किसी को, तो उस चीज़ के लिए बाबा जी सभी का निवारण करते थे। तो बाबा जी अपनी एक धुनी जो उन्होंने जलाई हुई थी उसकी राख देते थे, धुनी की राख देते थे, तो उससे सभी के कष्ट जो है वो दूर हो जाते थे।
तो बाबा जी ने उसके चलते हुए यहाँ पर एक शिव मंदिर का भी निर्माण किया है। ये वो शिव मंदिर है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जैसे कि आप सभी देख रहे हो, और बहुत ही घने जंगलों के बीच ये मंदिर है। बहुत चारों तरफ बहुत ज़्यादा घना जंगल है बान का। बहुत ही प्यारा व्यू, गजब का व्यू, और यहाँ से पूरे शिमला का व्यू दिखता है। ये देखिए, वो हमारा पूरा शिमला दिख रहा है वहाँ से पूरा व्यू। और यहाँ पे भी बाबा जी तपस्या करते थे, और ये बाबा जी की तस्वीर वहाँ पर दिख रही होगी आप लोगों को। ये वो बाबा जी थे। निर्माण बाबा सोहनदास जी महाराज। जय हो। ये वो ध्वनि थी दोस्तों, महादेव शंभु नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग्रकाय महेश्वराय नित्याशुदाय दिगंबराय तस्मै नाकराय नमः शिवाय चरण पादुकाय। जय शंकर महाराज। जैसे कि आपको पता ही है यार, हिमाचल देवभूमि के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। महादेव की असीम कृपा है। जय महादेव। हेलो दोस्तों, तो कैसा लगा यार आपको ये व्लॉग? आना जरूर यार देवभूमि, या विजिट जरूर जब भी करना, कभी मौका मिले तो जरूर आना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय शंकर महाराज। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने भाई को अपनी ब्लेसिंग्स दो यार। हालांकि अगली बार एक और नई वीडियो लेके अगली बार एक और नई वीडियो लेके हमारे कमल जी के साथ। टेक केयर, गुड बाय।